अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट हॉरर स्टोरी इन उर्दू। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। इस दुनिया में अल्लाह पाक ने इंसानों के अलावा बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया। कुछ मखलूक़ात अनदेखी मखलूक है जो ज़्यादातर वीरानों में बसेरा करती है। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना ही होगा, कोई भी घर अंधेरे में ना रहे, घर खाली हो तो वहाँ पे लाइट ज़रूर चलाई जाए, क्योंकि ऐसे ही वीराना देखकर ये मखलूक अपना मस्कन बना लेती है। आज की कहानी इलाक़ा नाज़माबाद की है। यहाँ पे हम जिस बंगले का जिक्र कर रहे हैं वो बंगला खाली और वीरान है, जिसे देखकर लोगों को वहशत और डर महसूस होता है। इस भूतनुमा बंगले में किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती। ये कहानी एजाज की है, क्योंकि गांव छोड़कर शहर में बसना चाहता था ताकि अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलवा सके। एजाज ने पुराने इलाके नाज़माबाद में घर खरीदने का सोचा, जहां अरसा दराज से पुराने लोग क़याम पज़ीर थे और यहां के मकानात भी बहुत ही पुराने तर्ज के बने हुए थे, जो कि बहुत बड़े घर थे। एजाज ने गांव की ज़मीन बेचकर जो पैसे जमा किए थे वो बहुत ही कम थे और वो लोगों से उधार लेना नहीं चाहता था। इस्टेट एजेंट से इसने घर ख़रीदने का मुतालबा किया तो इस्टेट एजेंट ने जो घर दिखाया वो बहुत बड़ा था, मगर वो घर कुछ अजीब सा पुराने ज़माने का बना हुआ लग रहा था। हैरत की बात तो यह है कि इतना बड़ा घर एजाज को कम दाम में मिल रहा था, और वो भी डबल स्टोरी। इस्टेट एजेंट ने कहा, आप 2-4 दिन यहाँ रहे, अगर आपको घर समझ आ जाए तो फिर सौदा पक्का समझिएगा। एजेंट के जाने के बाद एजाज के घर कुछ मोहल्ले वाले आए और कहा, बेटा ये घर आसेबी है और 20 से 25 साल हो गए ये घर खाली पड़ा है। एजाज ने उन लोगों से कहा, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। दिन तो जैसे तैसे गुजर ही गया, रात का सन्नाटा फैलना शुरू हुआ तो एजाज के घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। एजाज ने जैसे ही ये आवाज़ें सुनना शुरू की, उसको मोहल्ले वालों की बात याद आ गई, बेटा इस घर में जो भी रहने आता है जिन्नात इसको रहने नहीं देते। इस घर के जिन्नात लोगों को हर तरह का नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो नुकसान माली हो या जानी। एजाज ने सोचा, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसे ही मोहल्ले वाले अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये घर आसेबी है। हालांकि घर की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि घर काफ़ी अरसे दराज से बंद है, मगर जब सस्ते दामों मिल रहा है इतना बड़ा घर तो घाटे का सौदा नहीं है। एजाज ये सब सोचते सोचते सोने लगा। इस घर में एजाज, इसकी बीवी और 2 जुड़वा 8 साल के बच्चे थे, सब सोने लेट गए। एजाज अपनी बीवी को इस मुतालिक कुछ नहीं बता सकिया कि मोहल्ले वालों ने उसे ये बताया है कि ये घर आसेबी है, क्योंकि पूरी रात घर में अजीबोगरीब आवाज़ों का राज था। एजाज आंखें बंद करके खौफनाक आवाज़ों के बारे में सोच रहा था। सुबह एजाज की बीवी ने कहा, रात को बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे उठा रहा हो या हमारे घर का दरवाज़ा बजा रहा हो। एजाज ने कहा, तुम्हारा वहम होगा और कुछ नहीं। मगर एजाज भी अपनी बीवी की बात सुनकर दिल ही दिल में परेशान हो गया। अल्लाह अल्लाह करके दिन तो गुजर ही गया। एजाज की बीवी ने घर की साफ़ सफाई की और उसके बाद चूल्हा संभाल लिया। एजाज सोचता रहा, शुक्र है दिन तो गुजर गया पर कुछ ना हुआ। शाम को एजाज ने इस्टेट एजेंट को कॉल की और कहा कि आप पेपर तैयार करवाएं। 2 दिन खैरियत से गुजर गए तो एजाज ने इस्टेट एजेंट को पेपर बनवाने का कह दिया। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आ गया जब उसे पेपर मिलने वाले थे। अचानक ही रात में 10 बजे लाइट चली गई। गर्मी बर्दाश्त ना हुई तो एजाज और उसकी बीवी बच्चों को लेकर छत पर चले गए, पर छत पर आकर देखा कि सारे मोहल्ले की लाइट आ रही है पर एजाज के घर की लाइट नहीं आ रही। अल्लाह अल्लाह करके लाइट 1 घंटे के बाद आई तो एजाज की बीवी अपने बच्चों को नीचे लेके सोने चले गई। एजाज की आंख लगी ही थी कि उसे अपनी बीवी के चीखने की आवाज़ आई, क्योंकि दौड़ के छत से नीचे की तरफ भागा और नीचे आके जो मंजर उसने देखा वो मंजर किसी खौफ से कम ना था। उसने देखा उसका एक बच्चा दीवार पर टंगा हुआ है, जबकि बीवी और दूसरा बच्चा पलंग से नीचे गिरे हुए हैं।
हॉर्स गौर करने पे मालूम हुआ कि बच्चे को गैर मरी मखलूक ने दीवार से टांगा हुआ है। इजाज अपने बेटे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि अचानक ही उसका बेटा ज़मीन पे आ गिरा। इजाज ने जल्दी से आयतल कुर्सी का वर्त किया और अपनी बीवी और दोनों बच्चों को कमरे से बाहर लेके निकल गया। इजाज का बेटा हाथ के इशारे से इजाज को कमरे की अलमारी की तरफ का इशारा दे रहा था। जब इजाज ने गौर किया तो उसने देखा अलमारी के करीब कोई बूढ़ी औरत उसको बुला रही है। इजाज ने गौर किया तो देखा वो एक अजीब लिबास में मलबूस कोई बूढ़ी औरत उससे इजाज को देख रही थी। इजाज ने कहा, कौन हो तुम? ये मेरा घर है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये हमारा घर है, हम यहाँ सालों से रह रहे हैं। इस बूढ़ी औरत का इतना कहना था कि इजाज को अपने इर्द गिर्द बहुत सारे साए मंडलाते हुए नजर आए। इजाज ने दोबारा से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और अपनी बीवी और बच्चों का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर की तरफ दौड़ा। इसने जैसे ही कमरे से बाहर दौड़ लगाई, इसको लगा कि इसका कमरा जल्जले की वजह से हिल रहा है, हर चीज़ तहस नहस हो रही है। वो चारों घबराकर घर से बाहर निकल गए। इजाज ने पूरी रात घर के बाहर गुजारी। सुबह मोहल्ले वालों ने इन्हें बताया कि हम तुम्हें पहले ही खबरदार कर चुके थे कि ये घर आसीबी है, परेशान ना हो, तुम आज रात हमारे घर गुजारा कर लो, बाद में अपना बंदोबस्त कर लेना। इसके बाद इजाज ने स्टेट एजेंट को कॉल करके मना कर दिया। दूसरे दिन जब इजाज वो घर देखने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो उसे लगा वो दो दिन किसी खंडर में रह रहा हो। घर तहस नहस हो चुका था और फिर इजाज ने अपना इरादा तो वैसे ही तर्क कर दिया था। उसके पास जमा पूंजी जो भी थी उसने दूर दराज इलाके में एक छोटा सा घर ले लिया। उस नए घर में रात को जब इजाज सोया तो उसके ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और कहा, बेटा तुमने सही वक्त पे घर छोड़ दिया, वरना तुम्हारा जानी नुकसान होता। वो घर आसे भी है, वहाँ अरसा दराज से कोई नहीं आया और इन मखलूकों ने अपना बसेरा डाला हुआ है जो कि कबीलों की सूरत में रहते हैं। कहते हैं नाज़माबाद में ऐसे बहुत सारे घर हैं जो वीरान पड़े हैं, जहां मखलूकात ने बसेरा कर रखा है। क्या आपने कभी इन मखलूकात के बारे में या इस एरिया के बारे में अगर ऐसी कोई कहानी सुनी है तो मुझे ईमेल ज़रूर कीजिए। ऐसे ही खौफनाक कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।